नमस्कार, मैं आनंदमयी बिहारी न्यूज से मैं आपको बताने जा रही हूं। अक्सर बिहार के विभिन्न भागों में गिरे 3 उल्का पिंड पटना म्यूजियम में सुरक्षित हैं। कसी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा बताते हैं कि पहला उल्का पिंड 23 मई 1950 को 3 बजे दोपहर में मधेपुरा शहर में एक गोदाम पर तेज गर्जना के साथ दोहरी चादरे के छत को फाड़ता हुआ पृथ्वी पर गिरा था। इसके आवाज में क्षेत्र में हलचल मच गई थी। एक अनजान सा डर व्यक्तियों के मन में घर कर गया था। इस उल्का पिंड को जांचने के बाद पटना म्यूजियम को सौंप दिया गया था। दूसरी मरतबा 11 अप्रैल 1964 को 5 बजे एक ही वक्त में 2 जगहों पर उल्का पिंड गिरे थे। पहला गंडक नदी के पूर्व मुजफ्फरपुर जिले के पास थाना में रेवा घाट के करीब एक खेत में और दूसरा गंडक के पश्चिम सारण जिले के पास थाना में एक गांव के पास खेत में उल्का पिंड गिरा था। दोनों उल्का पिंडों को संयुक्त तौर पर मुजफ्फरपुर उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इन पिंडों को भी जांचने के बाद पटना म्यूजियम को सौंप दिया गया था। वो बताते हैं कि मुजफ्फरपुर उल्का पिंड अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह संसार में इंटरप्टेड स्ट्रक्चर के साथ अकेला निकल बहुल लौह उल्का पिंड है। यह अपनी तरह का भारत पहला तथा विश्व में 37वां इस तरह का उल्का पिंड है। अमेरिका के डॉक्टर हेंडरसन के मुताबिक मुजफ्फरपुर उल्का पिंड सौर मंडल से आया है, जिसका एक सदस्य धरती पर भी है। यूएसए एटॉमिक कमीशन के डॉक्टर इस उल्का पिंड के उद्भव का एक थ्योरी प्रस्तावित करते हुए कहते हैं कि यह उल्का पिंड कभी एक प्राचीन ग्रह का हिस्सा रहा होगा, जो सूर्य के लगभग 250 मिलियन मील दूर मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यही वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।